बुरहानपुर में रोटी बैंक के तत्वावधान में अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल शामिल हुए। इस अवसर पर दशम पातशाही श्री गोविंद गुरु गोविंद जी सिंह के साहबजादे बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कवि सम्मेलन में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा है कि सरहन दादी माता गुजरी के आंखों के सामने दीवार में चुनवा दिए गए थे। भारत माँ के वीर सपुत्र अपने बच्चों के बलिदान के बाद माता गुजरी ने बच्चों के लिए अरदास की और अपने प्राण त्याग दिए। उनके देश प्रेम और धर्म प्रेम और बहादुरी को आज भी सभी देशवासी प्रणाम कर उन्हें याद करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अपना लहू बहाया, तब देश की रक्षा हुई, तब धर्म की रक्षा हुई, तब आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का माथा दुनिया के सामने ऊंचा करने का अवसर मिला। और हमारे ही प्रदेश के कवि, जिनके बारे में मुझे लगता है कि जिन्हें उन्हें जो सम्मान मिलना था वो नहीं मिला, उनकी पंक्तियां मैं सुनाऊंगी। श्री कृष्ण सरन जी की, देखो जन्मदिन मनाने का शौक सबको होता है, पर मुझे हक है बोलने का कि मैं जन्मदिन पर होर्डिंग नहीं लगाती, इसलिए मैं हक से बोल सकती हूँ, आंखों में आंखें डाल के बोल सकती हूँ। उठो मरण त्योहार मनाए, उठो मरण त्योहार मनाओ, एक खेत में अन्न दूसरे में गोला बारूद उगाओ, उठो मरण त्योहार मनाओ।